सरकारी स्कूलों में 24,178 शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जालसाजों ने फर्जी संस्था बनाकर शिक्षित युवकों को ठगने के लिए शनिवार को विज्ञापन जारी किया। एलनगंज के पते पर जिस संस्था के नाम से फर्जीवाड़े की कोशिश की गई, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। राज्य सरकार से संचालित होने का दावा करते हुए उत्तर प्रदेश स्कूल कर्मचारी चयन आयोग नाम से जारी विज्ञापन में शिक्षकों के 17,486 स्टाफ के 3,800 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2,892 पदों पर वेबसाइट पर 11 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तीनों श्रेणियों के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्रमशः परास्नातक, स्नातक और इंटरमीडिएट रखी गई है। बेरोजगार युवकों को ठगने के लिए प्रदेश सरकार के लोगों का इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की फोटो भी लगाई गई है। नियुक्ति दो चरणों में लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के जरिए करने की बात लिखी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज ने बेसिक शिक्षा मंत्री से जब पूछा तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि जिस तरह से पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती किया गया है, जिसमें से 1,25,000 से अधिक बेसिक शिक्षक भर्ती हुए हैं, तो वहीं 25,000 से अधिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भर्ती की गई है। जो लोग दलाली करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, उनकी दलाली भ्रष्टाचार चल नहीं पाई तो कुछ लोगों ने संगठित ढंग से नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की है। मामला संज्ञान में आया है कि प्रयागराज में शिक्षकों सहित स्कूल स्टाफ के नाम पर भर्ती विज्ञापन निकाला गया है, जो पूरी तरह से फर्जी है। इस संबंध में हमारे विभाग की ओर से युवाओं को जागरूक करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही बताया गया है कि किसी भी तरीके के शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसे विज्ञापन नहीं निकाला गया है। जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा, सर, शिक्षकों की भर्ती स्कूल देखिए, योगी सरकार जिस तरह से पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से बड़ी संख्या में योगी सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की है, 1,25,000 से अधिक केवल बेसिक शिक्षा में और 25,000 से अधिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में। उससे जो अब तक लोग दलाली करते थे, जो इसमें भ्रष्टाचार करते थे, धंधा करते थे, उनकी दलाली, उनका भ्रष्टाचार चल नहीं पाया तो कुछ लोगों ने संगठित ढंग से नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की है। मैं तो क्षेत्र में हूँ 2-3 दिनों से, लेकिन ये संज्ञान में आया है कि कोई विज्ञापन प्रयागराज में प्रकाशित हुआ है शिक्षक भर्ती के नाम पर, वो पूरी तरह से फर्जी है और विभाग ने एक नोटिफिकेशन दे दिया है, जानकारी दे दी है प्रदेश के नौजवानों को कि उस पर ध्यान न दें, गुमराह ना हो, और जिन लोगों ने भी ये किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज करके आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।